भर भर के गालियां, भर भर के गानियां लिखी अंग्रेजों ने उन्हें। नमस्कार करता हूं दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य झा और स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गुड नाइट विद वेरी गुड लाइफ सिटीज। मेरे साथ मेरा नाम है आदित्य झा। जी हाँ, आज की कहानी जो है दोस्तों वो है गांधी जी के बारे में। गांधी जी जिन्हें हम और आप पूरा जनमानस जानता है। एक बार की बात है, गांधी जी अपनी नित्य साधना कर रहे थे। नित्य साधना को आप ऐसे समझिए दोस्तों कि पूजा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे कि तभी अंग्रेज वहां आए। दो अंग्रेज जो लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट थे उस समय के, एक उदा था उनका, वो वहां पे आए और उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं गांधी जी, व्हाट इज गांधी डूइंग, क्या कर रहा है गांधी। और वो सेवक ने कहा कि वो अपनी नित्य साधना कर रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं। ये सुनते ही दोस्तों पता नहीं इन ब्रिटिशर्स को क्या हुआ, इन अंग्रेजों को क्या हुआ कि ये गए और उन्होंने बोला कि मुझे एक पेन है तुम्हारे पास, डू यू हैव अ पेन। नहीं हमारे पास तो कुछ, ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कैसे करके उन्हें अपने ही लोगों से एक पेन जुगाड़ा, एक पेपर जुगाड़ा, क्लिप, जो क्लिप यूज होती है पेपर्स को लगाने के लिए, वो जुगाड़ा। और बहुत ही गंदे 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 शब्द उस पे गांधी जी के बारे में लिख दिए। इतने गंदे गंदे शब्द लिखे गांधी जी के बारे में दोस्तों कि अगर हम और आप पढ़ लें तो उन्हें पेपर फाड़कर दो थाप भी लगा दें और बोल दें भाई मैटर हुआ है आ जाओ। तो बहुत गंदे गंदे शब्द उन्हें, गालियां तक लिखी दोस्तों, गालियां तक लिखी। गांधी जी आए अपना पूजा करके और इन ब्रिटिशर्स ने कहा ये दिस इज फॉर यू गांधी, ये तुम्हारे लिए है, देखो पढ़ो इसे और यहीं पर पढ़ो। गांधी जी बहुत अच्छे से लिए और पढ़ना शुरू किया। एक लाइन, दो लाइन, तीन, चार, पांच, एक पन्ना पलटे, पांच दूसरा पन्ना पलटे, तीसरा पन्ना। जब वो तीसरा पन्ना पढ़ चुके थे तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये जो अंग्रेज थे, बड़े खुश हो रहे थे कि आह ये गांधी जो अहिंसा की बात करता है, अब मैं देखता हूं किस अहिंसा की, और बहुत खुशी हुई मुझे, यही बात करता है ना सत्याग्रह की, सत्य और आग्रह की, यही बात करता है ना कि हमें गुलामी से निकलना है, अब देखो मैं इन्हें दिखाता हूं कैसे गुलामी से निकलते हैं। खैर बहरहाल गांधी जी अंदर गए और सारे पेपर्स को उनके समक्ष लाके रख दिया। बोले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बहुत बहुत धन्यवाद। बोले हाँ ये पेपर आपके लिए, जिस चीज़ की मुझे नीड थी, जो मुझे चाहिए था वो मैंने रख दिया, ये क्लिप जो आपने लगाया था वो मेरे नीड की सामान थी तो वो मैंने रख लिया, बहरहाल ये पेपर आपका। वे बहुत चक्के रह गए दोस्तों। इससे हम यही सीखते हैं दोस्तों कि हमारे जीवन में कटु वचन बोलने वाले, हमें गाली देने वाले, हमें नीचा दिखाने वाले बहुत से लोग मिलेंगे दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, क्या उस पर रिएक्ट करना है? बिल्कुल रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। गांधी जी के ही बनाए हुए रास्तों पर चलना है, सत्य और आग्रह, अहिंसा परो धर्म। हमें यह करना है कि उन गालियों में, उन बातों में, उनसे छान के वो अच्छी चीजें ले लेनी है, उसे अपने पास रख लेना है, और जो गंदी चीजें हों उन्हें लौटा देना है। कई बार दोस्तों जैसे मेरे साथ होता था, मुझे बहुत बार ऐसा लगता था कि मेरे कुछ दोस्त, जब मैं हॉस्टल में रहता था, कुछ तो मेरी बहुत तारीफ करते थे, कुछ थे जो मुझे बहुत नीचा दिखाते थे, बहुत गंदा बोलते थे, कुछ गालियां भी देते थे, और मुझे नहीं समझ में आता था ऐसा क्यों हुआ। तब मेरी मम्मी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, मुझे याद है, और तब से मैंने सोचा कि अच्छा अगर वे मुझे ये भी कहते हैं या वे ये भी कहते हैं तो इसमें मैं ये ढूंढूं कि इसमें इससे अच्छी बात क्या है। अगर वे कहते हैं कि क्या, मान लीजिए आपके कोई किसी दोस्तों ने कहा, दोस्त ने कहा कि क्या तुम 11 बजे उठते हो, हाँ तुम जैसा आदमी कभी कुछ कर नहीं सकता, तो हम इसमें से अच्छी बात क्या लेंगे कि अच्छा हाँ सही तो कह रहा है, 11 बजे उठना गलत है, मैं कल से 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे उठने की कोशिश करूंगा। हर बुरी चीज को, हर बुरी भावना में कुछ अच्छाई ढूंढना दोस्तों, यही होता है एक असली मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, असली ह्यूमन वही होता है, नहीं तो हम लोग जानवर बन के क्या करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और देखते रहिए गुड नाइट विद लाइफ सिटीज आदित्य झा के साथ। थैंक यू वेरी मच, शब्बा खैर, गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।